नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और स्वागत करता हूं एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज दोबारा से मैंने हमारी पीटीएस फैमिली के चेहरों पे मुस्कान लाई, क्योंकि आज हमने क्या किया, मार्केट में खुलते ही बाय किया। जैसा हमने कल बताया था हमने हमारी यूट्यूब वीडियो में, आज हमने हमारे पीटीएस ऐप पे 42,800 का कॉल ऑप्शन दिया जिसने 50 पॉइंट दिए। और दोस्तों वो तो छोड़िए, हमने हमारे टेलीग्राम पे 43,000 का कॉल ऑप्शन दिया जिसने शानदार रिटर्न दिया 50 पॉइंट का। नाउ कल है आरबीआई पॉलिसी, मार्केट दोनों साइड ब्लास्ट होने वाला है, बिल्कुल दोनों साइड, ध्यान रखना, वन साइड एंड दो साइड व्यू होना चाहिए आप लोगों का। तो मैंने कल के लिए आप लोगों को जबरदस्त ऑप्शन ट्रेड दिया है आज की इस वीडियो में। इसी के साथ ट्रेडर्स, मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस किया है डीप डाउन जाके, एक एक पॉइंट समझाया हूं बैक डेटा दिखा के, राइट। वन ऑफ द बेस्ट व्यू होने वाला है आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का यूट्यूब पे, और मैंने अब दो स्टॉक भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को देखिएगा, और मेरे को एक चीज चाहिए आप लोगों से, आप खुद देखो मैं इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेड दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग से क्या चाहिए मेरे को, लाइक और कमेंट। कल आप लोगों ने लाइक एम कंप्लीट किया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज 4000 लाइक एम रखते हैं, डेफिनेटली कंप्लीट कर देंगे, और 500 प्लस कमेंट, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कल आप, आज आप लोगों ने कितना पैसा बनाया और क्या क्या आज की वीडियो देखने के बाद आपको सीख मिली है। शुरू करते हैं वीडियो को। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, सो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं यूएस मार्केट। देखो यूएस मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है जो फ्यूचर चल रहे हैं, राइट। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट है आरबीआई पॉलिसी, राइट। ध्यान रखिए 10 से 10:30 बजे के बीच में आने वाला है, और एक्सपेक्टेशन ये है 25 से 30 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, राइट दोस्तों। यानी अगर रेट बढ़ेंगे तो मार्केट गिर भी सकता है, ठीक है। अगर नहीं बढ़ते हैं, फ्लैटिश रहते हैं, तो मार्केट चढ़ भी सकता है। कहने का मतलब दोनों साइड मार्केट कल बड़ा भयंकर ब्लास्ट देने वाला है, बिल्कुल आपने सही देखा है थंबनेल में, तो दिल थाम के बैठ जाइए प्रॉपर एनालिसिस के लिए। अब देखो यहां पे आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे, आपको एक चीज दिख रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है, ये लो इससे ऊंचा है, ये लो इससे ऊंचा है, ये लो इससे ऊंचा है। आज सबने पैसा बनाया होगा हमारे कॉल ऑप्शन में, कल वाली हमारी जो वीडियो थी ये वाली, मैंने आज स्पष्ट रूप से बताया था कि खुलते बाय कर लेना, जिसने बाय किया होगा पैसा बनाया होगा, ठीक है। अब बिल्कुल रेंज में फंस चुका बैंक निफ्टी में, दोनों साइड हूं। कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी ये रेंज तोड़ता है, एक ये देख पा रहे हैं डाउन ट्रेंड, अगर ये तोड़ता है 43,200 के ऊपर, सस्टेन करता 10-12 मिनट, वी कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 43,300 एंड 43,500 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। यह है पहला हमारा व्यू बाइंग साइड के लिए। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, सेम यही पैटर्न यहां बना, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया है, हुआ कि नहीं हुआ बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों ये एनालिसिस समझ रहे हैं चीजों को, है कि नहीं। ये यहां पे काम और कर सकते हो, अगर ऐसा होता है तो आप लोग 43,100 का सी ले सकते हो 8th of December वाला, किसके ऊपर पता है, 320 के ऊपर। यहां पे टारगेट होगा 360 एंड 380, ठीक है। एसएल होगा 280 का, ये है आपका पहला कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो मैंने आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पैटर्न समझा दिया है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है, हिट द लाइक बटन। मैं और दिखा दूं, देखो पीछे एक और पैटर्न से मैंने बना था, ब्लास्ट हुआ ऐसे, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, पॉलिसी आती है खराब, दैट मीन्स मार्केट पॉलिसी को नेगेटिव वे में लेता है, तो पता है क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का ये वाला, देखो बिल्कुल नैरो रेंज में फंस चुका है, यानी कल बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। यानी अगर कल 43,070 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है ना, कितने मिनट, 10 से 15 मिनट, वी कैन गो फॉर सेल एज वेल, हम सेल भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो भयंकर चीज होने वाला है वो ये होगा, अगर ये लेवल टूटता है तो जो हायर लो बना रहा था ना, ठीक है, जो बार बार हायर लो बना था, क्योंकि क्या कर रहा था बैंक निफ्टी, पिछला लो को नहीं तोड़ रहा था, ये इसको नहीं तोड़ा है, ये लो इस लो को नहीं तोड़ा है, ठीक है ना, ये लो इस लो को नहीं तोड़ा है, आई होप समझ रहे हैं। तो अगर पिछला लो को तोड़ता है, फिर एक क्रैक देखने को मिलेगा। यहां पे हम टारगेट होगा हमारा 42,900, सेकंड टारगेट होगा, इसी बोलना चाहूंगा, अगर आपको प्रीमियम ट्रेड चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, आप लोग हमारे एंजल बुकिंग के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके फंड ऐड करिए, ट्रेड स्टार्ट करिए, और हमको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन के सामने आपको हमारे आज के प्रीमियम ग्रुप के ट्रेड दिख रहे हैं, बड़े शानदार चले। तो सेकंड टारगेट होगा 42,850 का। मैं क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक, ठीक है। ये है यहां पे आपको कौन सा पुट ऑप्शन लेके चलना है, बताऊंगा वीडियो के एंड में, देखते रहिएगा। अच्छा 42,800 का मैंने टारगेट सेकंड क्यों दिया, लेट मी एक्सप्लेन यू ट्रेडर्स, क्योंकि 42,800 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देख रहे हो ना, ये वाला 850, सॉरी, ठीक है,
ये आप देख सकते हैं 42,850 के आसपास आता है, तो पूरा फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 42,850 का अगर लेवल तोड़ देता है तो एक और क्रैक देखने को मिलेगा 42,500 तक फॉर श्योर, क्योंकि ये बार बार क्या सपोर्ट ले रहा है, यहां देखो, क्योंकि क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दो साइडेड व्यू मैंने आपको दे दिया है, सेटअप बनेगा तभी काम करके चलना बस, और बाकी टेलीग्राम पे वेट करना मेरे अपडेट का। ट्रेडर्स ध्यान रखना, पॉलिसी के बाद ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि उससे पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अगर आप पॉलिसी से पहले ट्रेड भी करते हैं तो आप जल्दी निकलने का प्रयास करिएगा, ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा। ट्रेडर्स कल क्या हुआ था, देखिए यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, मार्केट खुला गैप डाउन था, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन खुलता है तो भी आपको बाय करके चलना, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ताकि इससे मेरे को मनोबल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है, हमने बैंक निफ्टी 5 डेज फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजीज लॉन्च की है हमारे एक्सक्लूसिव पीटीएस ऐप पे। आपको पता है मैं आपको 5 ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं इसमें। मैं बता दूं, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, जिससे आप 30 मिनट के अंदर मार्केट में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। जी हां, ध्यान रखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको नॉर्मली लॉस होता है, जो भी रिटेल ट्रेडर है 98%, लेकिन मैं इतना आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि ये 5 स्ट्रैटेजीज आपको रोजाना प्रॉफिट देंगी। इसमें मैं आपको 5 दिन तक प्रीमियम ट्रेड्स भी दूंगा बैंक निफ्टी के, जिससे आप प्रॉफिट करेंगे बैंक निफ्टी में रोजाना। और ये जो फीस है, जो इसका फीस है, वो तो आप चुटकियों में 2 दिन में आप रिकवर कर लेंगे, ये मेरा वादा है। इसका प्राइस पता है, इसका प्राइस है 2949। जितना आप लॉस करते हो ना, 3,000, 4,000, 5,000, उससे भी कम है। और 5 दिन का जो मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं ना प्रीमियम वाला, उस पे तो आप लोग जबरदस्त पैसा बना सकते हो। मैं सबको रेकमेंड करना चाहूंगा हमारी स्ट्रैटेजीज, आप लोग परचेस करिए। दोस्तों काफी लोग सोच रहे होंगे, भाई ये 5 डेज फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजीज क्या है, मैं बता दूं, आप एक बार जब स्क्रीनशॉट देखो, आपको पता है जितने भी लोगों ने परचेस किया है, खुश हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने परचेस किया और नेक्स्ट डे से ही पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। ये स्क्रीनशॉट आपका, आप लोगों के लिए प्रूफ है, पढ़िए एक एक करके, जूम इन करके पढ़िए, आप लोगों को पता लगेगा क्या पावर है हमारी 5 डेज फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजीज ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में। तो आपके सोच में पड़े हुए हैं, तो जल्द से जल्द हमारी फास्ट ट्रैक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज परचेस करिए। थैंक यू। ठीक है, क्या करना है, पीटीएस ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे हमने इसको लॉन्च कर रखा है, और मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली पेमेंट लिंक भी मैंने शेयर कर रखा है, आप एक बार डिटेल पढ़ना है आपको। ठीक है, और बाय नाउ का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका स्ट्रैटेजी परचेस हो जाएगा, और आप वीडियोस देखिए, और परचेस करने के बाद 9 दिसंबर से हमारा लाइव लेक्चर होगा शाम को 5 दिन तक। सो गाइज, मैं चाहूंगा इन स्ट्रैटेजीज को आप लोग परचेस करिए और कल से ही आप लोग अप्लाई करके प्रॉफिट करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जानते हैं निफ्टी का व्यू, देखो निफ्टी एक बॉक्स पैटर्न फंस चुका है, कल के लिए रेडी है ब्लास्ट के लिए भी। ऊपर साइड लेवल है 18,650, नीचे साइड लेवल है 18,580। अब देखो ऊपर 18,650 का लेवल सस्टेन करता 10 से 12 मिनट, वी कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 18,690 एंड 18,730 का आपका सेकंड टारगेट होगा। अगर ऊपर साइड तोड़ता है तो वी कैन डू वन थिंग, 18,600 का हम सी ले सकते हैं 8th of December वाला। ठीक है, ये तो हो गया कॉल साइड के लिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है और अगर नीचे साइड लेवल 18,580 का लेवल तोड़ देता है, देन वी कैन डू 18,600 का हम पुट ऑप्शन ले सकते हैं 8th of December वाला। ठीक है, ध्यान रखना निफ्टी का, राइट ना, नीचे साइड फिर टारगेट होगा 18,540 एंड 18,500 का आपका दूसरा टारगेट होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेन निफ्टी को हमको बीच में ट्राई नहीं करके चलना है स्मार्ट बनने का, कि नहीं हमको तो ऐसा लग रहा है, हमको वैसा लग रहा है। मेनली लोगों को लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो काम करते हैं अपने लगने पे। अच्छा, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्या लॉस आप लोग का ऐसा ही होता है ना, होता है कि नहीं होता बताइए, कि मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन आप चार्ट पे कम फोकस करते हो, आप बस अपने इमोशन पे ज्यादा काम करते हो। तो चार्ट पे जो दिख रहा है उस पे काम करके चलना है। होप सो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ चुके हैं प्रॉपर तरीके से। जानते हैं पहला स्टॉक बाय करके चलना है, एक्सिस बैंक को। लॉजिक देखो क्या है, पैटर्न का देखो ब्रेकआउट हुआ था, है कि नहीं। अब यहां पे क्या हुआ, देखो ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेशन का आज ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट करने वाला है कल के सेशन में। यानी देखो जब भी इतना कंसोलिडेशन हो जाए ना, तो एक कैंडल जब भी ऐसा बनता है तो समझ जाओ नेक्स्ट कैंडल अब ऊपर जाने वाला है, नेक्स्ट डे अब ब्लास्ट आने वाला है। ठीक है, तो हमको बाय करके चलना है कितने के ऊपर, 907 के ऊपर, बाय अबव 907 फॉर द टारगेट ऑफ 915 एंड 920, 904 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
लास्ट स्टॉक जानते हैं, लास्ट स्टॉक के केआरबीएल बाय करके चलना है। ये जाने उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल और पीटीएस ऐप पे। मैं फिर से प्राउडली कहना चाहता हूं कि यस, मैंने पैसा बनवाया है इतने खराब मार्केट में भी। कॉल साइड में मैंने आज हमारे टेलीग्राम पे 43,000 का कॉल ऑप्शन दिया, शानदार रिटर्न दिया टेलीग्राम पे 50 पॉइंट। और वो तो छोड़िए, मैं कहता हूं ना, जितना मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूं कोई नहीं करता, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं। जाके देखो, लोग बस लेवल देते हैं। दोस्तों मैंने पीटीएस ऐप पे 42,800 का कॉल ऑप्शन दिया जिसने 50 से 55 पॉइंट दिए। ये है पीटीएस फैमिली की पावर, मेरी पावर नहीं है, पीटीएस फैमिली की। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो ही इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेड दे पा रहा हूं। तो पीटीएस ऐप को डाउनलोड कर लो, iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल भी शानदार ट्रेड देने वाला हूं पॉलिसी के बाद, उससे पहले नहीं, ध्यान रखना। और कल छोटे मोटे पॉइंट हम लेके निकल जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि कल पॉलिसी है, मार्केट वैसे ही वोलेटाइल रहने वाला है। केआरबीएल बाय करके चलना है। देखो क्योंकि केआरबीएल में लॉजिक क्या है, मैं आपको दिखाता हूं वन डे का चार्ट। देखो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट किया, आज बुलिश हैमर बना के गया है। यानी बुलिश हैमर कहने का मतलब बाइंग साइड ज्यादा डोमिनेटिंग मेरे को लग रहा है। 421 के ऊपर बाय करके चलना है, फॉर टारगेट 426 एंड 429 का हमारा दूसरा टारगेट, 418 का आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स? ये है हमारा दो स्टॉक, बाकी सरप्राइज ऑप्शंस ट्रेड है हमारा। अगर बैंक निफ्टी 43,070 के नीचे निकलता है तो वी कैन डू वन थिंग, 43,100 का पीई ले सकते हैं 180 के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 200 and 230, ठीक है ना? एंड इसका एसएल हो जाएगा 180 का, ओके? 8th ऑफ दिसंबर वाली एक्सपायरी रहेगी। दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है? बाकी जिस प्रकार का आपने सपोर्ट दिखाया कल वाली वीडियो पे, मेरे को चाहिए उस प्रकार का सपोर्ट। क्योंकि देखो बात सिंपल सी है, मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और भी निस्वार्थ, ठीक है? बढ़िया बढ़िया ट्रेड दे रहा हूं, मेरे को जरा देख के बताओ इतना बढ़िया कोई ट्रेड देता है तो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी हमको जरूर फॉलो करिए सोशल मीडिया हैंडल्स सच एस फेसबुक और इंस्टाग्राम, बढ़िया बढ़िया एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट कंटेंट प्रोवाइड करते रहता हूं। और फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजीज जरूर परचेस करिए, मैं लिटरली बता रहा हूं, ठीक है? 5 जबरदस्त ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है उसमें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।